सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सन 2017 के द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन कराया था। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अदर ईयर के भी पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज हम देखेंगे मैथ का जो है 2017 का द्वितीय बार का बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत दो पोर्शन का सॉल्यूशन देखेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बटे चार जो है इसका गुणनखंड क्या होगा, ये हमें बताना है और ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये जो है फॉर्मूला बन सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो ए है उसको हम मान लेते हैं एक्स और जो बी है उसको हम मान लेते हैं एक बटे दो। तो हम फॉर्मूले में अगर रख देंगे तो हमारे पास कुछ मान इस प्रकार आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे चार प्लस दो गुड़े एक्स गुड़े एक बटे दो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बटे दो का स्क्वायर करेंगे तो एक बटे चार आएगा, इसलिए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन टू। तो इसको देखेंगे आप ऑप्शन नंबर जो सा दे रखा है यही हमारा जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो रूप है वो बन जाएगा। मतलब अगर आप इसको खोलेंगे तो यही जो हमने अभी आपको लिखा था ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन अपॉन फोर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन टू यानी कि टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन टू में जो टू और टू है ये कट जाएगा, केवल एक्स हमारे पास बचेगा। तो हम कह सकते हैं लास्ट में हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर प्लस एक्स, और यही जो है हमारा क्वेश्चन में लिखा है। देखिए वन अपॉन फोर बाद में लिखा है, एक्स जो है वो सेंटर में लिखा है। तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सा यानी कि उत्तर नंबर सा जो है वो सही हो जाएगा, ये जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर टू है हमारा कि यदि 2, 3 और x जो है इसका समांतर माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। समांतर माध्य का जो है वो फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य हमें स्वयं ही जो है क्वेश्चन में 3 दे रखा है, यानी कि समांतर माध्य बराबर 3 जो है समांतर माध्य की रख देंगे बराबर पदों का योग, यानी कि ये पद दे रखे हैं 2 + 3 + x यानी कि 2 + 3 + x और बटे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो है वो x का मान निकालना है। तो हम जोड़ेंगे तो 3 × 2 = 5, 5 + x बटे 3 यानी हम कह सकते हैं 3 = 5 + x बटे 3। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 9 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 5 + x = 9 और ये जो 5 है उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x = 9 - 5 और इसमें घटा देंगे तो 4 हमें जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 4। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 / x - 1 + 3 / 1 - x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये चार ऑप्शन हैं, हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, नीचे जो आप वैल्यू देख रहे हैं इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x - 1 और 1 - x। अब इसको जो है हम चाहें तो त्रिक मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हैं, या तो हम x माइनस वन को जो है इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार में जो है वो x माइनस वन कट जाएगा, 1 - x जो है वो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी प्रकार जो है वो एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो 1 - x जब कट जाएगा तो x माइनस वन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप इनका एलसीएम लेके जो है इसको त्रिक गुणा कर दीजिए, यानी कि हम क्या लिखेंगे x - 1 और 1 - x। अब त्रिक मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 - x को 2 से तो 2 - 2x हो जाएगा, उसके बाद प्लस इसी प्रकार ये 3 से कर देंगे x माइनस वन को 3 से जब त्रिक मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3 को माइनस वन से करेंगे तो -3 हो जाएगा। इतना हमने सिंपल तरीके से कर लिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो
3x प्लस का दे रखा है, यहाँ पर माइनस का 2x दे रखा है, तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, केवल और केवल x बचेगा। इसी प्रकार यहाँ माइनस का 3 है और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल और केवल माइनस का 1, यानी कि ऊपर बचेगा हमारे पास एक्स माइनस 1 और नीचे जो है हमारा वही बचेगा एक्स माइनस 1 और 1 माइनस एक्स। अब देखिए एक्स माइनस 1 जो है ऊपर भी है, एक्स माइनस 1 नीचे भी है, तो कट जाएगा, तो हमें हमारे पास प्राप्त होगा 1/1 माइनस एक्स। अब देखिए इस टाइप का जो है आपका जो मिलता जुलता आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल रहा है, पर यहाँ पर क्या है, एक्स जो है पहले लिखा है, 1 बाद में लिखा है, जबकि आपका यहाँ पर ऐसा नहीं है, और ऊपर भी आप माइनस देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है जो ऊपर हमारा आया इसको ऊपर और नीचे दोनों से जो है वो माइनस से गुणा कर देंगे। जब माइनस से गुणा कर देंगे ऊपर तो माइनस 1 बचेगा, और नीचे जब माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स जो है वो प्लस का हो जाएगा, जो 1 प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का जो गुणनफल है वो 36 दे रखा है, यदि बाह्य पदों में एक पद जो है वो 3 है तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा, ये हमें बताना है। तो मध्य पदों का गुणनफल 36 है, देखिए हम समानुपात में 4 पद लिखते हैं, हम यहाँ पर आपको 4 ब्लॉक बना के दिखा देते हैं, 3 और ये 4, इसमें जो है बीच में जो है वो समानुपात का चिन्ह लगा रहता है और यहाँ पर जो है वो अनुपात का चिन्ह लगा रहता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पद इनका जो है गुणनफल जो है वो 36 दे रखा है, 36 दे रखा है, तो बाह्य पदों में एक पद अगर 3 है, यानी कि ये जो है वो हमें 3 पता है, तो दूसरा पद ये जो है वो बताना है। हम जो समानुपात है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाहर के जो पद हैं उनको गुणा कर देते हैं, अंदर वाले को गुणा कर देते हैं, अंदर का जो है ऑलरेडी दे रखा है, बाहर का हम गुणा कर लेंगे, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरा पद गुणे 3 बराबर 36। अब दूसरा पद निकालने के लिए 3 जो है इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि 36/3 हमें प्राप्त हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 × 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 12 हमें हमारा उत्तर जो है वो प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये सब जो बाह्य पद और समानुपात रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं सेपरेट वीडियोस में मैथ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इन सभी पर हम ऑलरेडी टॉपिक वाइज बात कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 3/4^2 गुणे 3/4^10 डिवाइडेड 3/4^8, इसका जो है वो मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, 3/4, 81/256, 27/64 और 9/16। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो आधार हमारे समान होते हैं तो जो घातांक होती है हम उसको जोड़ लेते हैं, तो 3/4 यहाँ भी, 3/4 यहाँ भी, तो हम जो घातांक में 2 और 10 दे रखा है उसको जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4^12 और डिवाइडेड में जो है वो 3/4^8। अब यहाँ पर जो है जो डिवाइडेड दे रखा है, हम चाहें तो इसको संख्या पलट के जो है इसको मल्टीप्लाइड में चेंज कर सकते हैं, या जो 3/4 है उसको 3/4 में जो है डायरेक्ट जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 3/4^ और जो 12 ऊपर हमने जोड़ के आया था उसमें से 8 घटा देंगे, यानी कि घात 4 बचेगा हमारे पास, यानी कि 3/4^ जो है वो 4 हमारे पास बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 आएगा ऊपर और नीचे 4 × 4 × 4 × 4 नीचे आएगा। अब 3 को 4 बार गुणा करते हैं तो आता है 81 और 4 को 4 बार करते हैं तो आता है 256, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 12 में दे रखा है, यही जो है हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से ही सारे हमारे वस्तुनिष्ठ जो 5 क्वेश्चन होते हैं समाप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो बात करते हैं अब अति लघु उत्तरी प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मीटर और यहाँ पर मीटर, पर यहाँ पर जो है वो सेंटीमीटर में मान दे रखा है, तो हमें इसको भी जो है वो मीटर में चेंज करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इन मीटर को भी जो है वो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर 2 जो है वैल्यू मीटर में दे रखी, 1 सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आप एक वैल्यू को जो है वो मीटर में चेंज कर लिए वो ज़्यादा ईजी होगा। तो लंबाई जो है वो 8 मीटर, चौड़ाई जो है वो 3.5 मीटर और जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर में दे रखी है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा मान आ जाएगा 0.20 मीटर। अब तीनों मान जो है हमें मीटर में प्राप्त हो गए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई का जगह लंबाई रख देंगे, चौड़ाई की जगह जो है 3.5 और जो ऊंचाई दे रखी है वो हमने 0.20 चेंज करके निकाला उसको रख देंगे, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 5.6 घन मीटर जो है हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि समुच्चय जो है ए बराबर 8, 12, 15, 16 है और बी बराबर जो है 8, 15, 17, 20 है, तो समुच्चय ए यूनियन बी का मान हमें बताना है और इसके साथ साथ ए इंटरसेक्शन का मान भी हमें बताना है। दोनों पर ही हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं समुच्चय में, तो हमने आपको बताया था कि जो ए यूनियन बी होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो ए में वैल्यू दे रखी होती है और जो बी में वैल्यू दे रखी होती है वो सभी हम लिख लेते हैं, बल्कि और जो कॉमन होता है केवल हम उसको उसको छोड़ देते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर 8 जो है दो बार आ रखा है तो हम केवल 8 जो है एक ही बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर यूनियन में जो आपको 8 एक बार देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार 12 जो है 12 लिख लिया हमने, 15 यहाँ भी आया, 15 यहाँ भी है तो 15 को हम एक ही बार लिखेंगे। इसी प्रकार 16 लिख लेंगे, इसी प्रकार 17 लिख लेंगे और इसी प्रकार जो है वो 20 भी लिख लेंगे। तो ये जो होता है हमारा ए यूनियन बी का मान हो जाता है। इंटरसेक्शन में हमने आपको बताया था कि ए में जो वैल्यू दे रखी है और बी समुच्चय में जो वैल्यू दे रखी है उन दोनों में जो कॉमन होता है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो दे रखा है ये गलत दे रखा है, ए और बी में कॉमन देखेंगे तो 8 कॉमन आ रहा है और उसके साथ साथ 15 यहां भी, 15 यहां भी और 15 कॉमन आ रहा है, यानी कि हमारा जो ए इंटरसेक्शन का मान आएगा वो 8, 15 जो है वो आ जाएगा और बाहर ये समुच्चय का चिन्ह जो है वो जरूर लगा दीजिएगा, यहां पर जो है वो गलत दे रखा है, जो 8, 15 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि वाहक चेक किसे कहते हैं, तो वह चेक जिसे किसी व्यक्ति के नाम दिया जाता है और नामित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बैंक से इंकित जो रकम यानी कि जो उस पर रकम लिखी जाती है वो रकम प्राप्त कर लेता है, तो वही जो है वो वाहक चेक कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लॉग से रिलेटेड है कि लॉग बेस 6 1296 का जो है वो मान ज्ञात कीजिए, तो लॉग बेस 6 1296 को हम किस प्रकार करते हैं। देखिए जो 1296 है हम उसको क्या कर सकते हैं, लॉग बेस 6 को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और 1296 को जो है हम 6 की घात 4 जो है वो लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है कि 6 की पावर में ही इसलिए इसको तोड़ा ताकि जो आधार है और जो लॉग की वैल्यू है वो एक समान हो जाए, और हमने बताया था कि जब ये दोनों समान हो जाते हैं तो इसका मान हमारा क्या होता है, 1 हो जाता है और ये जो 4 है ये हमारा जो है वो आगे आ जाएगा। लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम, यानी कि जब ये आगे आ जाएगा तो 4 गुणे और लॉग बेस 6 और 6 बचेगा और ये जब दोनों समान है तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं 4 गुणे 1 हमें प्राप्त होगा और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए जो कि हमारा उत्तर भी आ रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कितने समय में 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से जो है वो साधारण ब्याज जो है वो 4,125 रुपये हो जाएगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो है वो समय बताना है, बाकी आपको जो है सारी वैल्यू दे रखी है। तो मूलधन जो है 7,500 रुपये दे रखा, दर 11% दे रखी है, साधारण ब्याज जो है हमें 4,125 दे रखा है, समय निकालना है। तो सिंपल सा हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें समय निकालना है, तो समय को हम एक साइड कर लेते हैं तो क्या होगा, मूलधन गुणे दर जो है एक साइड हो जाएगा और ये साधारण ब्याज जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा 100 से, जो कि हमारा आगे फॉर्मूले में लिखा है। तो समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे सारी, तो इसको काट पीट के हमारा जो उत्तर है वो 5 वर्ष हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले और लास्ट जो है वो अति लघुत्तरी प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का जो अंश माप है वो 70 डिग्री दे रखा है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप जो है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए एक वृत्त में अगर आप टोटल जो कोण का मान होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री जो है वो होता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लघु चाप का अंश माप जो है 70 है, तो हमें लघु चाप का अंश माप यानी कि छोटे वाले का पता है तो कितना पता है, 70 पता है, टोटल हमने अभी आपको बताया 360 होता है, तो दीर्घ चाप यानी कि बड़े वाले का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से इस 70 को जो है वो घटा देंगे, यानी कि 360 डिग्री में से 70 को जो है हम घटाएंगे तो हमारे पास 290 डिग्री जो है वो प्राप्त हो जाएगा, यही जो है हमारा दीर्घ चाप का अंश माप हो जाएगा। तो देखिए यही हमारा जो है वो उत्तर है। तो इसी के साथ हमारे सारे अति लघु उत्तरी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आज के फर्स्ट पार्ट में जो है वो इतने ही क्वेश्चन, आगे के सेकंड पार्ट में हम बाकी सारे लघु उत्तरी प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई प्रश्न, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूंगा। इसके अलावा अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।